जिसमें अपने हैंड मूवमेंट्स आराम से कर सकूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ द क्रॉप टॉप पीसेज दैट आई गॉट फ्रॉम H&M। एंड ये सारी चीज़ें रिसेंटली नहीं परचेस की है, काफ़ी टाइम हो गया है परचेस किए हुए। आई थिंक 1-2 महीने पहले मैंने खरीदे थे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसमें से कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, कुछ में से तो मैंने टैग्स भी नहीं निकाले, सो यू कैन इमेजिन। बट द आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज की आई विल शेयर ऑल द पीसेस विद यू कि क्या क्या खरीदे हैं। क्रॉप टॉप्स ही है बेसिकली, बट उसके साथ ही साथ मैं एक स्टाइल इंस्पिरेशन काइंड ऑफ भी दे दूंगी कि हाउ आई वुड लाइक टू स्टाइल दीज पीसेस। नाउ सारी चीजें जो है वो बहुत ही बेसिक है, सारे कलर्स जो मैंने चूज किए हैं बहुत ही बेसिक कलर्स चूज किए हैं, ब्लैक, व्हाइट, बेज, ब्राउन, कुछ वैसे अतरंगी कलर्स नहीं लिए हैं, तो आप इनको थ्रू आउट द ईयर कभी भी स्टाइल कर सकते हो। हाँ, मतलब ये पीसेस जो है क्रॉप टॉप है, बट अगेन आप इनको विंटर्स में, समर्स में, दोनों में स्टाइल कर सकते हो। स्टाइलिंग इंस्पिरेशन जो है ना वो डेफिनेटली पूरा के पूरा आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कैसे एक पर्टिकुलर चीज को लेयर कर रहे हो, अगर विंटर्स में पहन रहे हो और अगर समर में पहन रहे हो, सो कैसे आप एक्सेस राइज करके स्टाइल कर सकते हो। तो मैं यूजुअली कैसे प्रेफर करती हूँ पहनना, मैं वो चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग इंस्पिरेशन भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हॉल वीडियो भी हो जाएगा। सिर्फ हॉल बनाने का मेरे को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया कि मैं बस शेयर करूंगी, प्राइस शेयर करूंगी, मटेरियल ये वो, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा दिखा दूंगी कि मैं स्टाइल कैसे करूं, तो थोड़ी आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, थोड़ी बहुत हेल्प मिले, तो आप वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फ्री, इट्स टोटली अप टू यू, कर लेना बाय द वे लेकिन सब्सक्राइब। ओके, मैंने थोड़ा सा मेकअप टचअप किया है, थोड़ी सी एक्सेसरीज पहनी है, दिस ब्रेसलेट आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम अमेजोन, रिंग्स वगैरह ऐड की है, वॉच तो मैं पहनी थी, दिस चेन आई एडेड, मेकअप पे थोड़ा सा टचअप किया है। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने H&M से ली है वो है ये क्रॉप्ड टी शर्ट। This is from their Conscious Choice collection and this, as you can see, this is a cropped oversized t-shirt. ये basically मैं घर में पहनने के लिए ली थी। इसका price जो था वो था 399 rupees and the color is a beige color. So basically मैं इसको कैसे style करती हूँ, I ordered these shorts also with this. So they are both of same color और ये as a pair बहुत अच्छा लगता है, but this t-shirt looks very good with the joggers as well, जो कि मैंने अभी पहना है, this I got from Zara. तो इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं बाहर नहीं पहनती हूँ, मैं घर में पहनती हूँ, क्योंकि घर में आपको एनी विच वे ऐसी चीज़ें पहननी चाहिए जो बहुत कंफर्टेबल हो, कोजी हो, जिसमें अपने हैंड मूवमेंट्स आराम से कर सको। बट ये बाहर भी पहन सकते हो आप डेफिनेटली, इट्स अ कॉटन मटेरियल एंड दिस इज़ फ्रॉम देयर बेसिक रेंज। बट इसके अंदर अगर आप वो टाइट फिटेड वाला स्पोर्ट्स ब्रा पहनोगे, उसके बाद में आप इसको पहनोगे, तो आप हाथ मूवमेंट भी आराम से कर सकते हो, देन इट्स फाइन। और ये हाई वेस्टेड जीन्स के साथ में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, जॉगर्स के साथ में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बट I wear it with these shorts. Looks awesome. Very comfortable. Very cozy. इसका प्राइस था 399 rupees. Moving on, next चीज़ मैंने H&M से ली है वो है ये बेसिक वाइट टॉप। नाउ इसका जो नेकलाइन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअली, और इसका फिटिंग भी बहुत ज़्यादा सही आता है। इवन द स्लीव्स जो है वो स्लीव्स भी एकदम परफेक्टली बैठती हैं। दिस लुक्स वेरी नाइस, बेसिक वाइट एंड वाइट बेसिक टॉप होना आपके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वाइट कलर के टॉप्स होना कभी भी इनफ नहीं होता है, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइट टॉप्स ले सकते हो, डिफरेंट टाइप का कलेक्शन आप कर सकते हो, एंड इसका फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका लेंथ जो है वो थोड़ा नीचे तक आता है, बट आप इसको हाई वेस्ट जीन्स के साथ में पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आई डोंट रियली रिमेंबर द प्राइस, बट फिटिंग इज अमेजिंग। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट पीस जो मैंने H&M से लिया है वो है ये स्लीवलेस टैंक्ड टॉप। नाउ दिस इज अगेन वाइट इन कलर, एज यू कैन सी द साइज इज एक्स्ट्रा स्मॉल। नाउ इसमें एक चीज मुझे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, दैट दिस इज स्ट्रेचेबल एंड द मटेरियल इज रिब्ड मटेरियल। इसको बेसिकली आप जीन्स के साथ में पेयर कर सकते हो और विंटर्स में भी आप इसको पहन सकते हो अंदर एंड लेयर कर सकते हो, दैट इज़ हाउ यू कैन वेयर इट। बट इसकी भी फिटिंग इतनी ज़्यादा सही आती है, एंड दिस आई गॉट ड्यूरिंग द सेल टाइम। इसका प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी, एंड इसका भी लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ऑब्वियसली यू कैन जस्ट टक इट इनसाइड योर जीन्स और यू कैन जस्ट फोल्ड इट। आजकल तो इतने सारे हैक्स भी चल रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हो, आई मीन यू कैन स्टाइल इट इन डिफरेंट वे, बट अगेन अनदर बेसिक टू एड इन योर वार्डरोब विच इज़ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। आई एम सरप्राइज एक्चुअली, H&M का क्वालिटी काफ़ी
अच्छा है कुछ चीज़ों के लिए और कुछ चीज़ें तो बहुत ही खराब होती है। ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने H&M से ली है वो है ये टैंक टॉप। द मटेरियल इज रियली गुड, इट्स थिक, इट्स स्ट्रेचेबल एंड इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है। ये आपके एकदम यहाँ तक आता है, वेस्ट तक आता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि ये रिब्ड मटेरियल है। इसमें मैंने दो कलर्स पिकअप किए हैं एंड दिस वन इज इन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। इसका प्राइस था 399 रुपीज। एक मैंने ये बेज कलर लिया है और दूसरा मैंने ये ब्राउन कलर लिया है। ये मैंने एक बार पहना है बाहर तो इसमें टैग नहीं है, बट इसका इनका फिटिंग काफी ज्यादा अच्छा आता है। सो यूजुअली टैंक टॉप जो है वो आप हाई वेस्टेड जींस के साथ पहन सकते हो, जॉगर्स के साथ में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये पहनने में। इसके ऊपर आप जैकेट पहन सकते हो, डेनिम जैकेट या फिर नॉर्मल कोई ऐसे श्रग ले सकते हो, कार्डिगन ले सकते हो। स्टाइलिंग इज टोटली अप टू यू, बट हाउ आई लाइक टू वेयर इट इज विद अ हाई वेस्टेड जींस, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड देन दोस चंकी शूज एंड वॉच ऑल दैट जैज, सो वैसे आप इसको स्टाइल कर सकते हो। सो नेक्स्ट टू पीसेस आर दीस। नाउ दिस इज अनदर टैंक टॉप दैट आई पिक्ड अप। दिस इज ब्लैक इन कलर, इसका भी टैग मैंने नहीं निकाला। दिस बेसिकली यू कॉल इट वेस्ट एंड इसका भी प्राइस 399 रुपीज है। मटेरियल काफी थिक है, स्ट्रेचेबल है, बट इसका जो मटेरियल है वो है प्लेन मटेरियल एंड इसका जो मटेरियल था वो था रिप्ड मटेरियल। तो दोनों के मटेरियल में काफी डिफरेंस है बट साइज इज एक्चुअली द सेम। नाउ एक और डिफरेंस इन दोनों में जो कि ये है, इसका जो बैक है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, बट इसका जो बैक है वो इतना ब्रॉड नहीं है। रेसर बैक बोल सकते हो, टैंक टॉप बोल सकते हो, वेस्ट बोल सकते हो। सो दिस इज अनदर वन। इसमें मैंने एक और कलर पिक किया है जो कि है वाइट कलर। Now this white and black are like again I told you very basic, very classic. You can wear them any time of the year. You can style them differently. It just looks amazing. These are like staple pieces in your wardrobe and you need to have these. Or any which way अभी winters जा रहा है and summers आने वाले हैं, so I think I can make a good use of these. Moving on, अब जो मैं चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा cropped है, मतलब they come up till here, but they're actually good. So first thing is like very cropped. This is again a tank top, but this is like a tube. So it comes like this. And to be honest, this is an extra small size, but ये मेरे को थोड़ा छोटा है, मतलब ये मेरे को काफ़ी फंसता है। ये stretchable तो है but अगेन ये मेरे को थोड़ा सा फंसता है। ऑनेस्टली ये मैं बाहर नहीं पहन सकती, पता नहीं मैंने क्यों लिया था, बट अदरवाइज इफ यू वांट टू स्टाइल दिस यू कैन आल्सो वेयर दिस विद साड़ीज, यू कैन वेयर दिस विद स्कर्ट्स, यू कैन लेयर इट आल्सो। आप अंदर फुल पहन सकते हो, ऊपर से इसको पहन सकते हो, बट फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स गुड, क्वालिटी इज नाइस, मटेरियल इज गुड, स्ट्रेचेबल है। इसका प्राइस था 249 रुपीज। दिस इज इन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। मैं डेफिनेटली इसको स्टाइल करूंगी किसी साड़ी या स्कर्ट के साथ में, इट इज गोइंग टू लुक अमेजिंग विद दैट। एंड कुछ ऐसे चंकी सा स्टेटमेंट पीस आप पहन सकते हो एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टाइल दिस। बट दीज ट्रैपी क्रॉप टॉप्स आर सो मच इन ट्रेंड विच एक्चुअली मेड मी बाय दिस टैंक टॉप। यू कैन से अनदर क्रॉप टॉप दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम H&M इज This one. Now this is a bit bigger in size, but इसका fitting जो है वो बहुत ही ज़्यादा amazing है। मतलब once you wear it, it just sits beautifully on your waist. Perfect fitting है इसका, perfect fitting है। This also you can wear with joggers, high waisted jeans, skirts, even साड़ी के साथ में भी आप इसको पहन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका प्राइस है 299 रुपीज। अगेन इट्स वाइट इन कलर। आई गॉट अनदर टैंक टॉप इन द सिमिलर पैटर्न बट द कलर इज डिफरेंट विच इज़ ब्लैक। ब्लैक एंड वाइट टैंक टॉप्स तो होने ही चाहिए, ये आप इसको बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हो। सो दीज आर लाइक स्टेपल पीसेज, दैट्स व्हाई आई पिक्ड दिस इन टू कलर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड अप इज दिस क्रॉप टॉप, टी शर्ट काइंड ऑफ क्रॉप टॉप। दिस इज अगेन इन एक्स्ट्रा स्मॉल, बट ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो इसका थोड़ा सा साइज का मेरे को इशू है। बट नाउ इफ यू सी दिस क्रॉप टॉप, दिस आई गॉट फ्रॉम ज़ारा। दिस सिट्स ब्यूटिफुली ऑन द वेस्ट, फिटिंग इज नाइस एंड ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये एकदम ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है। बट अगर मैं ये वाला आपको दिखाऊँ तो ये जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो दिस इज लाइक काफी छोटा क्रॉप टॉप है ये, तो आई थिंक आई हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर वेयरिंग दिस। बट अगर मैं हाई वेस्टेड जीन्स पहन रही हूँ तो उसके साथ में ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका भी प्राइस था आई थिंक 399 रुपीज, प्राइस मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। मूव ऑन करते हैं इसके बाद में, जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है वो है ये वाला टॉप। दिस इज अ स्ट्रैपी क्रॉप टॉप एंड दिस इज लाइक the best out of everything. And इसका price भी थोड़ा सा ज़्यादा है, but this looks so amazing. ये मैंने अपनी एक video में भी पहना था। इसका fitting बहुत अच्छा है, size perfect है, and material की अगर मैं बात करूँ तो material is ribbed material, but this is some गुड क्वालिटी क्रॉप टॉप। सो इसका प्राइस जो मैंने पे किया था आई थिंक ये 700 का था, 699 रुपीज़ कुछ मैंने पे किया था, बट फॉर द क्वालिटी एंड एवरीथिंग 699 इज टोटली वर्थ इट। दिस इज बेज इन कलर, दिस इज नॉट वाइट, एंड एक्चुअली ये मैंने अपने बर्थडे पे पहना था। इसके साथ मैंने एक ग्रीन कलर की स्कर्ट पेयर की थी विच वॉज लुकिंग वेरी नाइस, चंकी शूज
इट वॉज जस्ट लुकिंग अमेजिंग. आई थिंक ये सारी चीजें बेसिक है, आपके वार्डरोब में होनी चाहिए. दिस विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल. आप कभी भी एनी टाइम ऑफ द ईयर आप इनको पहन सकते हो. इट्स जस्ट स्टाइलिंग का है, तो स्टाइलिंग के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. इट टोटल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्टाइल, आपका क्या स्टाइल है और आप इन चीज़ों को कैसे पहनते हो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. आई रियली होप यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. अगर थोड़ी सी हेल्प मिली हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले. टोटली फ्री, कुछ पैसे नहीं लगेंगे. प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. यूट्यूब पर तो पता ही है, कभी नोटिफिकेशन जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, या फिर फीड में दिखता है वीडियो कभी नहीं दिखता है. तो प्लीज़ कर लेना. इस ब्रेसलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हो. या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, वेरी वेरी सून. अंटिल देन बाय, टेक केयर एंड सी यू. अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई. इसके बाद में सेकंड पार्ट आने वाला है H&M का ही, जिसमें मैं बॉटम वेयर शेयर करने वाली हूँ. मैंने कुछ जीन्स परचेज किए थे H&M से, कुछ जॉगर्स परचेज की थी और वो शॉर्ट पैंट दिखाया आपको. उन सारी चीज़ों की डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू गाइज लुक आउट फॉर दैट वीडियो एंड दैट्स इट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.